इंडियन प्रीमियर लीग के अगले साल होने वाले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। मेगा ऑक्शन में टीमों में जबरदस्त अदला बदली होने वाली है। इसी बीच बीसीसीआई ने रिटेंशन नियमों को साफ कर दिया है। शनिवार को बेंगलुरु में बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें रिटेंशन के रूल्स साफ हो चुके हैं। इन रूल्स में इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लीजेंड कैप्टन और आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक रहे महेंद्र सिंह धोनी के लिए बड़ा फायदा हुआ है। बीसीसीआई धोनी को आईपीएल में खिलाने के लिए एक बड़े रूल्स को करीब 4 साल के बाद वापस लेकर आया है। ये वो रूल है जिससे धोनी के खेलने को लेकर राह काफी आसान हो जाएगी। रिटेंशन के इन रूल्स में रिटायर्ड प्लेयर के अनकैप्ड मानने वाले रूल्स वापस आ गए हैं, यानी वो प्लेयर जो पिछले 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है वो अब रिटेंशन में अनकैप्ड प्लेयर में गिना जाएगा। ऐसे में धोनी भी रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं तो वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में शामिल होंगे। इस स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड प्लेयर माने जाने के बाद सिर्फ 4 करोड़ रुपए में ही अपने साथ रिटेन कर सकती है। इस सीजन मेगा ऑक्शन से पहले टीमों को 6 प्लेयर्स को रिटेन करने की छूट मिली है, जिसमें 5 प्लेयर्स को सीधे रिटेन करना है तो वहीं 1 प्लेयर को आरटीएम करना है। वो रूल जिसे बोर्ड ने खत्म कर दिया था उसे अब बीसीसीआई धोनी को खिलाने के लिए वापस लेकर आ गई है। इस रूल पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।